हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे WH बर्ड्स के बारे में। WH बर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हूज, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको WH बर्ड्स कहते हैं। WH बर्ड से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो जनरली जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे अंदर एक ही कन्फ्यूजन होती है कि क्वेश्चन कैसे बनाएं, क्योंकि जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि व्हाट का मतलब क्या है, वेयर का मतलब क्या है, हूज का मतलब क्या है, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि सेंटेंस बनाए तो बनाए कैसे। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल कर देने वाला हूँ। देखिएगा, अभी हमने जो पिछले लेक्चर में टेंस के बारे में पढ़ा, अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको WH वर्ड का सही सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स पे आपको फोकस करके आपको सेंटेंस बनाने। रूल्स क्या है समझिएगा। जब भी WH वर्ड से बनाया किसी भी चीज का क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं। यही चीज है, तो यहाँ पर भी यही बात है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ही रखना है। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर जैसे वॉट है, जितने भी WH वर्ड होते हैं उनको सबसे पहले रखते हैं, फिर इसके बाद पूरा जो टेंस होता है, टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है पूरा वही का वही, ये आपका हो गया क्वेश्चन फॉर्मिंग। जैसे आपका नाम क्या है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वॉट इज योर नेम। तो इसमें हमने इज एमआर पढ़ा था, तो क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट और देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस फॉर्मेशन का सिस्टम क्या होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई सा भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ही बनते हैं, बस आपका यहाँ पर व्हाट, वेयर, जितने भी WH वर्ड हैं वो आपके सामने आते, सबसे पहले आते, बाकी पूरा का पूरा जो सेंटेंस रहता है वो आपका अकॉर्डिंग टू टेंस रहता है। जैसे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है ये इज एमआर से होगा, तो व्हाट इज बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट इज योर नेम। इसी तरीके से अब आपको धीरे धीरे हम सबको मैं एक को एक्सप्लेन कर दूँ, सबका रूल एक ही है, यूनिवर्सल रूल है। आपको जब भी बोलना है स्पीकिंग में तो जो टेंस होता है अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा सेंटेंस, और WH वर्ड लग जाएगा सबसे पहले। बस यही रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। समझ में आई बात। तो जैसे आपको टेंस नहीं आते हैं तो पहले आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस आ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ही ले लेता हूँ, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, तो रहता है, ता है, ती है, तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसका अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर आपका वो मतलब ही, तो यहाँ पे डज आएगा। तो सर कहाँ मतलब वेयर, तो पहले आएगा वेयर, देन आपका आएगा डज, वेयर डज, इसके बाद सब्जेक्ट मीन्स ही, और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, और क्वेश्चन मार्क हो गया ना। मतलब सिंपल सी बात है, टेंस के अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। अब जैसे वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, रहा है, रही है, रहे, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो यहाँ पर इज एमआर आएगा। तो वो कहाँ, कहाँ मतलब पहले आएगा वेयर, तो WH वर्ड, तो वेयर, इसके बाद आपका इज एमआर आएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या होगा वो, तो इज आएगा, तो वेयर इज, इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, तो वो मतलब ही, तो वेयर इज ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है, अकॉर्डिंग टू टेंस बन रहा है कोई भी चीज। वो कब गया था, वो कब गया था, या वो कब गया, वो कब गया, या वो कब गया था, कब मतलब होता है वेन, तो आपको पहले आएगा वेन, गया था ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, तो डिड है, तो वेन डिड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, व्हेन डिड ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्हेन डिड ही गो। तो पूरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है वो अकॉर्डिंग टू टेंस बना है, सिर्फ आपका WH वर्ड पहले आ गया, व्हेन डिड ही गो, वो कब गया था, तो व्हेन डिड ही गो। समझ में आ गई। इस तरीके से आपको WH वर्ड का यूज करना है। अब जैसे हम बोलते हैं आप कैसे हो, आप कैसे हो, कैसे को हाउ बोलेंगे, हो मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एमआर आएगा, क्योंकि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं ना, इसलिए इज एमआर आएगा। तो क्या होगा आप कैसे हो, तो कैसे को बोलेंगे हाउ, आप मतलब यू, तो आर, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको WH वर्ड का यूज करना है, ठीक है। आपने ये कैसे किया, आपने यह कैसे किया था, या आपने ये कैसे किया, सिंपल पास्ट टेंस है, तो आपने ये कैसे, कैसे मतलब क्या आएगा, हाउ, हाउ, इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू टेंस, तो हाउ डिड यू डू दैट, हाउ डिड यू डू दैट, ये आपने कैसे किया था, हाउ डिड यू डू दैट। आप क्यों जा रहे थे, आप क्यों जा रहे थे, आप क्यों जा रहे थे, क्यों बोलते हैं, तो वाई,
रहे थे, रहा था, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप तो मतलब वर, तो वाई वर यू, जाना मीन्स गो होता, तो वाई वर यू गोइंग, वाई वर यू गोइंग। तो गाइज आप सिंपल तरीके से समझ गए हो कि डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ हमें किस तरीके से करना है। डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ हमें करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, बस जब क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कब पूछा तो वैन, कहाँ पूछा तो वेर, कैसे पूछा तो हाउ, क्यों पूछा तो वाई, इस तरीके से आपको जब ये चीज़ आती है तो आपको वो देखना है कि वो सेंटेंस जो बोला है वो कौन सा टेंस है, वो टेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस बना रहा है, और सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड रख देना है जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं एज ए कंजक्शन भी यूज होते हैं, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है क्वेश्चन है कि कंजक्शन, क्वेश्चन में इस तरीके से, बाकी मैं वो भी चीजें बताऊंगा कि कैसे हम उसको एज ए कंजक्शन यूज करते हैं, अभी आपको डब्ल्यू एच वर्ड पे फोकस करना है। तो ओपी गाइस आपको ये डब्ल्यू एच वर्ड का समझ में आ गया होगा पूरा सिस्टम किस तरीके से आपको यूज करना है, तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका यूज समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।